बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिनत शहजाद। आर मोटो इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड टू का यूनिट नंबर 8 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड अप्रिशिएटिंग देयर डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 55, वी आर ऑल इक्वल। All human beings are born free and equal. All are equal in dignity and rights. My name is Luqman. I have many friends in my class. David and I share the same desk. Jagveer Singh sits next to me. They have different lifestyle. They have different religions. But we all are human beings. We play together. We study together. And we help each other in difficult times. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि तमाम इंसान आज़ादाना फितरत पर पैदा हुए थे और तमाम इंसान बराबर हैं। हर एक की बराबर इज्जत और रिस्पेक्ट है और हर एक के बराबर हकूक हैं। अब इसी तस्वीर में आप देख सकते हैं तीन बच्चे हैं, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है और एक हिंदू है। इस तस्वीर को देखते हुए अब ये कहानी जो बच्चा बता रहा है, वो बता रहा है कि मेरा नाम लुकमान है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, डेविड और मैं एक ही डेस्क पर बैठते हैं, जगवीर सिंह हमसे अगले डेस्क पर बैठता है। मेरे दोस्तों की डिफरेंट लाइफस्टाइल है, उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके मुख्तलिफ हैं, उनका मज़हब मुख्तलिफ है, बट लेकिन हम सब इंसान हैं, हम इकट्ठे खेलते हैं, हम इकट्ठे पढ़ते हैं और हम एक दूसरे की मुश्किल वक्त में मदद भी करते हैं। जी नीचे देखते हैं पेज 55 पे, वेदर समवन इज़ वाइट और ब्लैक, वेदर समवन इज़ रिच और पुअर, ही इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, ही इज़ इक्वल टू अस, ही हैज़ इक्वल राइट्स, इन द सेम वे वी शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी। शो रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, शो रिस्पेक्ट टू योर फेलोज, शो रिस्पेक्ट टू योर जूनियर्स, डू नॉट से बैड वर्ड्स फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट द वुमेन, हेल्प द नीडी। जी चाहे कोई इंसान गोरा है या काला है, चाहे कोई इंसान अमीर है या गरीब है, हमारे लिए तमाम अहम हैं, हमारे लिए तमाम बराबर हैं, हर एक के बराबर हकूक हैं बिल, और हमें सबकी एक ही तरह इज्जत करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों की इज्जत करें, हम अपने हम जमातों की इज्जत करें, हमें चाहिए कि हम अपने से छोटों की इज्जत करें, हम किसी को कभी कोई बुरा लफ्ज़ ना कहें, हम औरतों की इज्जत करें, हम ज़रूरतमंदों की मदद करें। पेज 56 पे हम देख सकते हैं, वेट फॉर योर टर्न, यानी कि अपनी बारी का इंतज़ार करना। नोबडी इज़ सुपीरियर, नोबडी इज़ इन्फीरियर, वी आर इक्वल इन ऑल वेज ऑफ लाइफ, ना कोई हम में से बरतर है ना कोई कमतर है, हम सब बराबर हैं ज़िंदगी के हर मामले में। तस्वीर देख सकते हैं, वी शुड स्टैंड इन अ क्यू, ये स्कूल के अंदर जाते हुए एक लाइन बनाकर लोग अंदर जा रहे हैं। क्लासरूम में, वी शुड वेट आर टर्न इन द क्लासरूम, ये क्लासरूम में जाने के लिए भी लाइन बनी हुई है। वी शुड वेट फॉर आर टर्न टू गेट इन द बस, बस में चढ़ने के लिए भी ये देखें लोग लाइन बनाकर जा रहे हैं। अगली तस्वीर में, वी शुड वेट फॉर आर टर्न एंड कैंटीन, कैंटीन पे जब आप खाने के लिए कुछ खरीदते हैं तो वहाँ पर भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। और लास्ट तस्वीर में आप देख सकते हैं, वी शुड वेट आर टर्न व्हेन बाइंग अ टिकट, किसी पार्क में कोई झूला लेना है तो आपने कोई टिकट खरीदना है तो वहाँ पर भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। पेज नंबर 67, वेज टू शो रिस्पेक्ट टू अदर्स, यानी कि लोगों को हम किस तरीके से इज्जत दे सकते हैं। एक तस्वीर है और उस तस्वीर में बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, एक लड़का बैटिंग कर रहा है, एक लड़का बॉलिंग कर रहा है और फील्डिंग हो रही है। आई एम अहमद, माई फ्रेंड बिलाल लाइक्स टू प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग द ब्रेक, आई लाइक टू प्ले हाइड एंड सीक बट आई प्ले क्रिकेट विद हिम। जी ये लड़का बिलाल है, ये लड़का अहमर है, इसको ऐनक लगी हुई है, ये कह रहा है मेरा नाम अहमर है, मेरे दोस्त बिलाल को क्रिकेट खेलना ब्रेक में बहुत पसंद है लेकिन मुझे छुपन छुपाई खेलना पसंद है, लेकिन मैं क्रिकेट खेलता हूँ। साथ ही ये बता रहा है, माई आई साइट इज़ वीक, आई वेयर ग्लासेस, बिलाल ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई ग्लासेस, मेरी नज़र कमज़ोर है, मुझे ऐनक लगी हुई है लेकिन बिलाल मेरी ऐनक की बहुत ज़्यादा हिफाजत करता है। When we disagree, we listen to each other and be patient. We do not control the other person's choice. We admit when we make a mistake. जी जब हमारे में कोई इख्तलाफ होता है, हम एक दूसरे की बात सुनते हैं और बड़े सब्र से सुनते हैं। हम में से कोई किसी दूसरे की पसंद नापसंद एहसास जज्बात को कंट्रोल नहीं करता। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम अपनी गलती मानते हैं। डियर टीचर्स, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग आवर टर्न्स विद द क्लास
After it, place one notebook each from all the student on a table and ask student to collect their notebooks. Monitor the behavior of the student, remind them if necessary. बच्चों को लाइन बनाने की या अपनी बारी का इंतजार करने की अहमियत के बारे में बताएं. किसी भी एक सब्जेक्ट की कॉपीज लेके टेबल पर रख दें, चाहे इंग्लिश की हैं, जनरल नॉलेज की हैं, उर्दू की हैं, और उनसे कहें कि आप ये कॉपीज अपनी आकर लें. उनके बिहेवियर को मॉनिटर करें, देखें वो किस तरह आकर लेते हैं. अगर आपको लगता है वो लाइन बनाकर नहीं ले रहे तो उनको बताएं कि लाइन बनाने की क्या अहमियत है. जी, अब चलते हैं पेज नंबर 58 पे. पेज नंबर 58 पर है हमारे पास एक्सरसाइज. ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न यस इक्वल. वी शुड स्टैंड इन अ क्यू. वी शुड रिस्पेक्ट एवरीबॉडी. वी शुड वेट फॉर आर टर्न. अब क्वेश्चन नंबर बी. टेक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट. वी शुड नॉट हेल्प ईच अदर क्रॉस. वी शुड एडमिट आर मिस्टेक. टिक. सम पीपल आर सुपीरियर. क्रॉस. एवरीबॉडी हैज इक्वल राइट. टिक. वी शुड रिस्पेक्ट द वुमन. टिक. जी. वी ऑल आर इक्वल. वट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट. इस बात से आपको क्या बात समझ आई है? इस बात से हमें ये बात समझ आई है कि अल्लाह ताला ने हमें इक्वल पैदा किया है. हर बंदे की इज्जत और हर बंदे की डिग्निटी इक्वल है. कोई अमीर, कोई गरीब, कोई गोरा, कोई काला एक दूसरे से सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है. इसलिए हमें हर बंदे की बराबर इज्जत करनी चाहिए और एहतराम करना चाहिए. हाउ डू यू पे रिस्पेक्ट टू अदर्स. आप लोगों की को किस तरह इज्जत देते हैं? मैं उनका एहसास, उनके जज्बात का एहतराम करके, उनको बोलने का मौका देकर और डिफरेंट उनकी बातें मानकर उनको इज्जत का जज्बा शो करती हूँ. डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन. आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा. एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.